हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं ध्रुव जोशी और आज का मार्वल कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियंस का वीडियो बनाने जा रहा हूं रिगार्डिंग अ कंप्लीट गाइड ऑन द ग्रैंड मास्टर बॉस एक्ट 6 का जो मेन बॉस है ग्रैंड मास्टर। एंड इसमें मैं देख रहा हूं काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही है, काफ़ी लोग मेरे को बोल रहे हैं करने के लिए। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू गाइज, जितने लोगों को भी कर सकता हूँ, बट दैट डजेंट मीन मैं सबका कर सकता हूँ फ्री में। ऑब्वियसली इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग फाइट, रिवाइज चाहिए होते हैं, आइटम चाहिए होते हैं, बट इसका मतलब स्टिल देर इज़ अ तरीका ऑफ टेकिंग डाउन दिस ग्रैंड मास्टर। आपको एक बस काउंटर चाहिए लास्ट 30% के लिए। इट कैन बी इधर प्रोफेसर एक्स और मिस्टर सिनिस्टर। लेगेसी ने मिस्टर सिनिस्टर के साथ वन शॉट किया हुआ है बिकॉज ऑफ दैट 30%। आई थिंक वही दिक्कत सबको आती है जो लास्ट वाला इसका रिवर्स कंट्रोल वाला होता है, बाकी में आनी भी नहीं चाहिए और आएगी भी नहीं, आनी नहीं चाहिए आइडियली, पर आती है ऑब्वियसली बिकॉज आप पहली या दूसरी बार फाइट खेल रहे हो तो काफ़ी मुश्किल लगती है, बट वी विल स्टिल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। तो मैंने अभी ये ब्लैक पैंथर वाला लेन कंप्लीट किया है एंड बेस्ट काउंटर्स फॉर दिस गाय आर डूम, कलोसस, एनी बल्की चैम्प लाइक आई हल्क विल ऑल्सो वर्क, सी जी सॉरी दिस कैप्टन अमेरिका इज गुड, देन प्रोफेसर एक्स ऑब्वियसली इज गुड, हरक्यूलीज विल डू अ लॉट ऑफ डैमेज फर्स्ट फेज में, सेकेंड फेज में भी हरक्यूलीज कैन डिस्ट्रॉय दिस गाय, बट सेकेंड फेज में एज यू नो शॉकिंग सॉरी डैमेजिंग इफेक्ट देना होता है, एज यू नो डैमेजिंग इफेक्ट देना होता है इसको। फिर नॉकडाउन वाला भी है इसमें कुछ पंगा, विफ वाला आता है। तो फर्स्ट फेज में क्या होता है गाइस कि आपको तीन चीज़ें बैन होती हैं, पैरी, डेक्सटेरिटी और लाइट अटैक, और आपको अच्छे वाले टोकन जो घरे वाले टोकन हैं वो मिलते हैं जब भी आप प्रॉपर इंटरसेप्ट करो। तो मीडियम इंटरसेप्ट करते रहोगे तो आपको और टोकन मिलेंगे, पर अगर आपकी पैरी बैन हो गई और आप पैरी कर ही जा रहे हो और आपको लाल वाले टोकन मिल गए 5, तो ये स्पेशल 3 पे पहुँचेगा, आपको ख़त्म कर देगा। सिमिलरली सेकेंड फेज में क्या होता है गाइज, आपको 5 ऑब्जेक्टिव आते हैं, आई थिंक हाँ 5 ऑब्जेक्टिव आते हैं। एक होता है विफ एंड अटैक, एक होता है आपका क्या बोलते हैं इन्फ्लिक्ट डैमेजिंग इफेक्ट, इंटरसेप्ट का होता है एक नॉक मी डाउन होता है और एक और कोई होता है, 5 होते हैं ऑब्जेक्टिव्स। सिमिलरली फोर्थ फेज में भी 5 ऑब्जेक्टिव आते हैं, थर्ड फेज में भी, और आपको ऑब्जेक्टिव एक एक करके करना होता है हरा टोकन हासिल करने के लिए। एंड ऑब्वियसली स्पेशल वन जब वो फेंकता है तो आप जो उसके कमांड्स फॉलो करोगे तो आपको एक एक हरा टोकन मिलेगा और हर हरा टोकन आपका डैमेज इंक्रीज करेगा गाइज। सो अब चलते हैं, पहले ये सेंटिनल उड़ाता हूँ मैं और बॉस पे आता हूँ। ओके गाइज, तो मैंने ना शुरुआत में कमेंटेट करने की कोशिश कर रहा था विद द फाइट, तो उसमें मैं काफ़ी पिट गया इनिशियली। तो पहले आप 1 मिनट की फाइट इग्नोर ही करना, बट स्टिल आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि क्या हो रहा है इसमें। ये वाली फाइट में तो बहुत बुरी तरह पिस जाता हूँ हरक्यूलीज के अगेंस्ट, तो बट एक बार जब हाथ सेट होगा आई विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। अगेन आई एम रिपीटिंग, तीन कमांड्स हैं इसके, सॉरी तीन बैंड्स देगा पहले फेज में, लाइट का, फिर ऊपर से डेक्स का, और तीसरा देगा पैरी का। तो इस वाले में तो कुछ नहीं कर पाऊँगा मैं, सो इट्स यूजलेस। अभी आप देख रहे हो लाइट अटैक बैन हो गया, अब पैरी, अब तो मैं मर ही जाऊँगा, तो दिस नो पॉइंट। आई थिंक इस वाली फाइट में अब जो डोम वाली फाइट है इसमें थोड़ा सा डैमेज लूँगा, बट आगे काफ़ी कंसिस्टेंट डैमेज आएगा प्रोफेसर एक्स से आई बिलीव। सो अब आप इसको शुरुआत में एक बार पैरी दे सकते हो, ट्राई टू डू अ डैश बैक मीडियम इंटरसेप्ट। वो मेरे इस जंगल में फंस नहीं रहा, ही इज़ जस्ट गोइंग बैक एंड ही इज़ डेक्सिंग मी इंस्टेड। तो आपने देखा जैसे मैंने उसको दूसरा लाइट अटैक दिया, मेरे को एक लाल टोकन मिल गया है, बट इंटरसेप्ट करने पे मेरे को कॉम्पिटेंस हरा टोकन मिल रहा है। सो अब पैरी बैन हो गया, मैंने एक और बार पैरी ले लिया तो मेरे को 2 लाल टोकन मिल गए हैं। अब मैं डेक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ पर हो नहीं रहा, अब हुआ डेक्स, अब 4 मेरे पास ब्लंडर हैं, तो आई कैन नॉट लाइक एट ऑल पैरी हिम। अब कर सकता हूँ क्योंकि अब वो ब्लेंडर वाली सिचुएशन ख़त्म हो गई है, अब मैं इसको पीछे लेके जा रहा हूँ ताकि वह स्पेशल वन दे। थैंकफुली सिर्फ 4 लाल टोकन लगे हैं, 5 लग जाते तो मैं पिल जाता। अब इसके 3 कमांड फॉलो किए मैंने, इवेट, टेक हिट और
ब्लॉक का, और उस चक्कर में मेरे को मिल गया ये वीकनेस इसका, जिसमें आप इसको अच्छे से डिस्ट्रॉय कर सकते हो। अब एज यू सी, मेरे को बस एक ही टोकन मिलना था और वो मिल गया मुझे और मैं मारा गया। सो दिस वाज द फर्स्ट इनिशियल फाइट। मैं ना एक्चुअली वीडियो के साथ ही खेलते खेलते ही कॉमेंटेट करने की कोशिश कर रहा था, सो आई वॉज नॉट एबल टू डू एनी थिंग। आई एम टेकिंग कैप्टन अमेरिका नाउ एंड सीइंग कि ये कोई डैमेज करेगा कि नहीं। आई थिंक ये भी नहीं कर पाता शुरुआत में, तो काफ़ी पिट रहा हूँ मैं, बट एक बार जब हाथ सेट हो जाएगा तो हो जाएगा, फिर हम मज़े मज़े लेंगे प्रोफेसर एक्स के। आई एम ट्राइंग टू, अब आप देख रहे हो लाइट अटैक बैन हो गया। आई एम ट्राइंग कि ये मेरा डैश बैग इंटरसेप्ट फॉलो करे, मीडियम से मैं दे पा रहा हूँ इंटरसेप्ट्स, बट 100% नहीं लग रहे बिकॉज़ ही इज़ नॉट बीइंग रियली कोऑपरेटिव। पर कोई नहीं, अब पिट गए तो पिट गए। लाइट अटैक बैंड या पैरी बैंड कराने की कोशिश कर रहा हूँ। पैरी हो गया बैन, अब लाइट। अच्छा, आप हैवी भी नहीं खा सकते, हैवी खा लिया अगर आपने तो पिलोगे। अच्छा, ये तो मर ही गया था मैं शायद, वीडियो कट गया। बट कितने परसेंट पे था एक बार जाके देखूँ। हाँ, स्टार्टिंग ऑफ विद 91% ओनली। प्रोफेसर एक्स लेके आया हूँ मैं। अब इसके साथ मीडियम लाइट से शुरू किया मैंने। आई ट्राई कि मीडियम का इंटरसेप्ट आए। अब लाइट बैन हो गया मेरा। ट्राइंग टू गेट मोर कॉम्पिटेंस टोकन, हरे वाले जो टोकन होते हैं उससे ही डैमेज बढ़ेगा। अब मेरा लाइट बैंड है तो मैं ज़्यादा कोने में फंसना नहीं चाहता, तो पैरी बैन करवा लिया मैंने, मीडियम दिया एक। अब डेक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मेरे को लाल टोकन मिल गया है पैरी करने के लिए डेक्स का। एक फिर से मैंने पैरी कर दिया, आई डेंट हैव टू, डेक्स करना चाहिए था। एंड जैसे ही उसका स्पेशल वन आया, पैरी डेक्स सब कुछ कर सकते हो फिर से, तो उस वाली बात का ध्यान रखना। एंड अब ये आपके तीन कमांड आए हैं, इवेड के, टेक अ हिट के और ब्लॉक के, वो मैंने तीनों फॉलो किए, तो ये वूंडेड हो जाता है ग्रैंड मास्टर। फिर ये लेता है मोटा डैमेज और हम इसको ले आए फेस टू में। तो गाइस, पॉज कर दिया मैंने वीडियो फॉर अ सेकेंड, रिवाइज करते हैं। तीन बैंस आएंगे, पैरी, लाइट और इसके डेक्स के। जैसे ही आप ये तीनों वो ले लोगे बैंस, अगर आप वो रिपीट करोगे तो आपको लाल टोकन मिलेगा। पांच लाल टोकन आ गए तो आप मर जाओगे। बट अगर ये तीनों अचीव हो गए कम्प्लीटली, तो वो स्पेशल वन पे पहुँचेगा। डेक्स करो, तीन टोकन लो और इसको वूंडेड स्टेट पे जितना अटैक कर सकते हो करो। सो दैट इज़ द फर्स्ट सेक्शन फॉर यू गाइज। ओके, आ गए हम सेकंड फेज में, जिसमें वो शुरू करेगा इन्फ्यूरिएटेड से, और जब भी आप मरोगे तब भी वो इन्फ्यूरिएटेड से करेगा, जिसका मतलब है कि वो अनब्लॉकेबल है, तो भागना है उससे जितना भाग सकते हो, या उसके ब्लॉक में मारोगे उतना बढ़िया। अब गाइज आएंगे पांच अलग अलग चैलेंज। एक होता है लैंड क्रिटिकल हिट, फिर होता है इन्फ्लिक्ट डैमेज इफेक्ट, कभी कभी कुछ भी दे सकता है। फिर ये स्पेशल वन पे आप इसको फेंकते रहो और तीन तीन कॉम्पिटेंस इसके बीम्स से फॉलो करो, जैसे आपने देखा आए थे ब्लॉक, टेक अ हिट और ब्लॉक का। अब आई थिंक ये चैलेंज आया था टू इन्फ्लिक्ट डैमेजिंग, और आप जानते हो कि प्रोफेसर एक्स डैमेज नहीं कर पाता। सो अब गेन अबफ आया था तो गेन अबफ कर लिया। फिर से मैंने कर दिया पॉज ये तीन समझाने के लिए। ये ब्लू वाला जो ब्लॉक वाला आइटम बना है, ये ब्लॉक करने को बोल रहा है। हरा वाला जो भागने का आइटम है, वो इवेड करने को। और ये लाल वाला आइकन है हिट लेने के लिए। ये सिर्फ आइकन आएंगे स्पेशल वन जब वो फेंक रहा होता है तब, और ये किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं, तो आपको ऑर्डर ध्यान में रखना है गाइज। ओके, लेट्स मूव ऑन। चलो, पहले बीम करी ब्लॉक, दूसरी करी इवेड, और तीसरी में मैं जाके सीधा अटैक कर सकता हूँ क्योंकि वो हिट लेना काउंट हो जाता है। तो अब उसने बोला था गेन बफ, मैं डेक्स किया उसे तो मेरे को प्रिसिशन बफ मिल गया। एक और आता है इसमें ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस इंटरसेप्ट का, तो वो भी फॉलो करना है। पर वो स्पेशल वन पे पहुंच गया, पर मैंने दे दिया, आई इंटरसेप्टेड हिम। उसका स्पेशल वन फिर से इवेड करो, सबसे ज़्यादा टोकन उसी के मिलते हैं। टेक अ हिट, ब्लॉक एंड इवेड। अब ऐसे ही गाइस ऑब्जेक्टिव आते रहेंगे। विफ एन अटैक होता है, दूर जाओ और एक ऐसी लाइट अटैक मार दो। पांच जैसे ही आपके ऑब्जेक्टिव पूरे होते हैं, वो पहुंचता है इन्फ्लिक्ट वूंडेड स्टेट में, फिर आप दे सकते हो उसको सारे डैमेज। ओके, टू रिवाइज फेज टू, पांच कमांड आते हैं। एक इंटरसेप्ट, दूसरा डैमेज इफेक्ट देने वाला, तीसरा विफ एन अटैक,
चौथा गेन अबाफ और पांचवा लैंडर क्रिटिकल। तो ये किसी भी ऑर्डर में आते हैं, आपको पांचों के पांच कंप्लीट करने हैं। अब जैसे ही आप पांच कंप्लीट करोगे वो वुंडेड पे जाएगा और आप उसको डैमेज दे सकते हो। तो इंटरसेप्ट इज़ वेरी इजी, पीछे जाओ, जैसे ही वो आप पे अटैक करे डैश इनटू हिम एंड डील डैमेज। डैमेज इफेक्ट प्रोफेसर एक्स नहीं दे सकता, तो उसका मैं एक लाल टोकन ले लेता हूँ। विफ एन अटैक पीछे जाओ, एक हल्का सा हिट, लाइट हिट दे दो। गेन अबाफ डेक्स बैक करो तो आपको प्रिसिशन मिलेगा। अगर प्रिसिशन पहले से ही है तो आप क्या आप उस पर अटैक करोगे तो आपको मिल जाएगा डैमेज, सॉरी टोकन हरा वाला। और फिफ्थ है लैंड क्रिटिकल, जो बहुत ही इजी है। आप बस उसकी वेट करो अटैक करने की उसे, एंड देन यू कैन गेट दैट टोकन ऑल्सो। तो आपके पांच टोकन होते ही वुंडेड स्टेट एंड यू कैन डिस्ट्रॉय हिम। एंड ऑब्वियसली गाइज, आप स्पेशल वन इवेड करके भी तीन और टोकन कमा सकते हो। तो स्पेशल वन इवेड करो और तीन ये वाले टोकन कमाओ, ब्लॉक, इवेड और टेक अ हिट। तो मैंने तीनों कमा लिए, चार टोकन हो गए एज यू कैन सी मेरे। अब आ रहा है विफ एन अटैक, तो मैं पीछे जाऊँगा और एक लाइट थ्रो कर दूंगा। कर दिया, चैलेंज सक्सेसफुल, सात चैलेंज हो गए हैं मेरे टोटल। अब स्पेशल वन पे है तो आई विल इवेड इट, इन्फ्लिक्ट अ डैमेजिंग तो मैं ले ही नहीं सकता, तो देर इज़ नो पॉइंट ऑफ इवन ट्राइंग। इवेड, टेक हिट और ब्लॉक। आई होप आप सबको समझ आ रहा है। आठ हरे टोकन हो गए हैं मेरे पास, कॉम्पिटेंस जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुश हिम टू स्पेशल वन जितना भी, ताकि मैं और हरे टोकन ले सकूँ। एंड लैंड अ क्रिटिकल आ गया, अब वो भी कर लेंगे पहले एक बार, बस इसका स्पेशल वन इवेड करें, वो ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए। स्पेशल टू बहुत ज़्यादा ब्लॉक डैमेज देता है गाइज, तो मत पुश करना। मैं भी पुश कर दूंगा एक दो बार गलती से, यू विल ऑल्सो सी दैट। बट इसमें इस वाले फेज में मैं काफ़ी अटैक दे रहा हूँ इसे। अभी गेन अबफ है तो एक बार इवेड कर लो प्रॉपर। वुंडेड हो गया है वो, 93 के क्रिट पड़ रहे हैं, 60 के क्रिट पड़ रहे हैं, वेरी नाइस। इसको मैं ले आया हूँ 63% पे और दो लाल टोकन अभी मेरे पास हैं, सो आई विल ट्राई टू बी केयरफुल। अब आपने देखा गेन अबफ आया है एंड मैंने उसको अटैक किया क्योंकि मेरा प्रिसिशन था, तो आई गॉट द कॉम्पिटेंस टोकन। अब स्पेशल वन इवेड करने पे मुझे मिल गया तीन टोकन, इंटरसेप्ट करने पे एक टोकन मिल गया। अब विफन अटैक आया तो वो भी करेंगे, ब्लॉक, इवेड, टेक अ हिट। अब विफ कर दूंगा मैं, विफ कर दिया, चैलेंज सक्सेसफुल, 13 चैलेंज हो गए हैं कंप्लीट, दो और करने हैं और दो और करते ही मैं फिर से डैमेज दूंगा। इन्फ्लिक्ट डैमेज टाइम वाला आया है, वो मैं कर नहीं सकता, प्रोफेसर एक्स देता नहीं है कोई डैमेज ओवर टाइम। कलोसस देता है, डूम देता है, कैप्टन अमेरिका स्पेशल वन में देता है, बट या टेक अ हिट, ब्लॉक एंड इवेड। तो ये वाला मेरे को लाल टोकन मिल जाएगा गाइस, तीन लाल टोकन हो गए। अब एक और चैलेंज आएगा, देखते हैं कौन सा चैलेंज आ रहा है, वेट करो। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कौन सा चैलेंज है, पॉज करके भी देख सकते हो, मैं अभी दिखाऊंगा वो भी। लैंड क्रिटिकल है, लग जा क्रिटिकल, हो गया है, वो वुंडेड पे है, मैं फिर से उसको धासु डैमेज दे रहा हूँ। ही इज़ एट व्हाट परसेंटेज, 55% पे ले आया और यहाँ मैं मारा गया। अब ये तीन टोकन लग जाएंगे मुझे। कभी कभी इसकी स्पेशल वन इवेड करना काफ़ी इजी है, इट्स मोस्टली लाइक आयरन मैन का। बस ध्यान रखना, जैसे ही ये स्पेशल वन पे पहुंचता है ये कभी भी फेंक देता है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अभी यहाँ एक टीम रिवाइव लगेगा एंड या लेट्स गो विद डूम। आई थिंक इसमें डूम से मैं बहुत बुरी तरह पिट जाता हूँ, बट इधर वे थोड़े बहुत रिवाइव तो लगेंगे ही गाइज, आपके जितने ही एक्सपर्ट हो आप। कुछ लोग होते हैं जो विदाउट रिवाइव कर लेते हैं, वो नहीं हूँ मैं, बट आई कैन स्टिल गाइड यू कि कम से कम रिवाइव में, कम से कम यूनिट में कैसे करनी है ये फाइट। यू कैन जस्ट होल्ड रिवाइव्स। तो परफॉर्म एन इंटरसेप्ट आया गाइज, आई ट्राई टू डू द इंटरसेप्ट, पर वो खड़ा रहता है और उसने मेरे को पेल दिया। कोई नहीं, आई विल गेट बैक इन टू शेप थोड़ी देर में। आई थिंक प्रोफेसर एक्स इज़ द मोस्ट लकी चैम्पियन फॉर मी फॉर दिस फाइट, काफ़ी ज़्यादा डैमेज उसने ही लिया है, सो लेट्स गो विद हर्क्यूलीज, लेट्स सी हर्क्यूलीज कुछ कर पाएगा। ओके, इन्फ्यूरिएटेड स्टेट है तो ब्लॉक पे मारो उसको पीछे रखने के लिए। लेट्स वेट फॉर द कमांड्स गाइज, परफॉर्म एन इंटरसेप्ट। हर्क्यूलीज के साथ ईजी है, वो इन्फ्यूरिएट स्टेज पर भेज दो, वो आप पे अटैक ही करेगा। एंड नाउ ही इज़ एट स्पेशल वन, विफन अटैक आ गया है। ओके, कोई ना कोई मेरे को परेशान करने आ ही रहा था,
सो आई वॉज नॉट एबल टू डू इट कंटिन्यूसली. अब आप देख रहे हो मैं भूल गया था कौन सा चैलेंज है. चैलेंज इज सक्सेसफुल, जो भी था जो भी सक्सेस था. इन्फ्लिक्ट डैमेज ओवर टाइम, ये भी हरक्यूलीज नहीं कर सकता तो इसका लाल टोकन ही ले लेंगे हम. लैंड क्रिटिकल है, ये हरक्यूलीज कर सकता है तो मैं स्पेशल वन थ्रो कर दूंगा इस पे टू गेट दैट क्रिटिकल हिट. वो मिल गया मुझे, चार टोकन हो गए. नाउ लेट्स इवेड ए स्पेशल वन. वेरी वेल डन हरक्यूलीज. ब्लॉक इवेड एंड इवेड. अब मारो ऐसे, एक एक टोकन बचा है बस, गेन अ बफ वाला. लेट्स इवेड हिम वंस. कम ऑन, हो गया ये वूंडेड. हर्क कैन डील मेजर डैमेज, वही कोशिश कर रहे हैं. काफ़ी अच्छा डैमेज आ रहा है, नॉट एज मैनी क्रिट्स बट गुड इनफ. अब आप देख रहे हो मैंने इतना शाना था, जैसे ही उसका वूंडेड स्टेज ख़त्म हो रहा था मैं पीछे भाग गया क्योंकि मुझे पता था ये स्पेशल वन दे देगा आते ही. अब ये फिर से स्पेशल वन पे आया, मैं भागूंगा अब इससे क्योंकि मेरे को पता है ये दे देगा स्पेशल. यू जस्ट हैव टू बी वेरी केयरफुल विद ए स्पेशल क्योंकि काफ़ी लोगों को दिक्कत स्पेशल में ही आ रही है. ऑलराइट, सिक्स कमांड्स आर डन. लैंड क्रिटिकल आया, वो एक सेकंड में हो गया. मैं इसको फिर से पुश कर रहा हूँ स्पेशल वन की ओर ताकि मैं इसका और टोकन लूँ हर्क्यूलीज के. कम ऑन, हाँ तीन टोकन और मिल जाएंगे. ब्लॉक का इवेड एंड टेक अ हिट. अब आई थिंक लैंड अ क्रिटिकल था, परफॉर्म एन इंटरसेप्ट था, जो भी था फेल हो गया है तो एक लाल टोकन मिल गया, कोई नहीं. गेन अ बफ है, वो भी सक्सेसफुल आ गया लिखा हुआ. एक एक चैलेंज बचा है. आई फिन क्या दे, मैं आई थिंक आई वॉज चेकिंग कि क्या था. इन्फ्लिक्ट डैमेज ओवर टाइम है, वो मैं कर नहीं सकता सो आई एम जस्ट गोइंग एंड किलिंग हिम जितना भी मार सकते हैं. आई थिंक 37% तक ले आया हूँ. वेरी नाइस यार, वेरी नाइस, गुड जॉब हर्क्यूलीज. अनब्लॉकेबल स्पेशल ब्लॉक, टेक अ हिट, ब्लॉक, ओके चैलेंज सक्सेसफुल. पता नहीं क्या था, क्रिटिकल वाला होगा तभी सक्सेसफुल हो गया. गेन अ बफ का चैलेंज आया. अब लेट्स इवेड एंड स्पेशल इवेड. आठ टोकन हो जाएंगे गाइज. इवेड, ब्लॉक, इवेड, आठ टोकन हो गए मेरे. आई एम स्टिल ट्राइंग टू पुश कि वो स्पेशल वन पे जाए और टोकन मिले मुझे. लैंड अ क्रिटिकल हिट नहीं हुआ, कैन यू बिलीव इट, विद हरक्यूलीस. हरक्यूलीस के साथ लैंड अ क्रिटिकल हिट नहीं हुआ, अब हो जाएगा. लो जी, अब पर इसी के साथ मैंने उसको भेज दिया स्पेशल टू पे और यही मेरा खात्मा हो जाएगा शायद. मैं विफेन अटैक कर दिया, 14 हो गए हैं. अब आप ऐसे सिचुएशन में आ गए तो भागो और कोशिश करो कि, ओहो कुछ नहीं कर सकते. पर हर्क्यूलीज कैन डील डैमेज अभी भी. आई थिंक इसका ये वाला स्टेज मैं कंप्लीट कर दूंगा अभी, और वो कंप्लीट कर दिया मैंने. फेज़ हैज़ बिन कंप्लीटेड एंड बस अब डैश बैक इंटरसेप्ट देते रहो. बट अब शुरू हो जाएगा गाइज कांड जो है रिवर्स कंट्रोल्स का, जिसके लिए मैं काउंटर आपको सजेस्ट करूँगा. इधर प्रोफेसर एक्स और मिस्टर सिनेस्टर, वो आप यूज़ करो ताकि यू आर ऑल्सो एबल टू डील विद दिस गाय. ओके गाइज, लेट्स पॉज हेयर एंड डिस्कस रिवर्स कंट्रोल्स वाला फेस जो आता है 30% के नीचे. इसमें गाइज आपको मिलेंगे पांच कमांड्स या चैलेंजेस एज यू कैन से, जो हैं डैश बैक, हिट माई ब्लॉक, पैरी, नॉक मी डाउन एंड स्टैंड स्टिल. तो डैश बैक वेरी सिंपल, आप डैश बैक करोगे आपको एक चैलेंज कंप्लीशन का टोकन मिल जाएगा. हिट माई ब्लॉक, वो तीन चार बार दिखाएगा उसको ब्लॉक पे मारने के लिए, तो आप ब्लॉक पे मारोगे तो हो जाएगा आपका वो वाला चैलेंज भी. फिर बोलेगा वेल टाइम ब्लॉक्ड, जो जिसका मतलब होता है पैरी. इसको स्टन तो कर नहीं सकते बट पैरी तो कर ही सकते हो, तो पैरी करो. दो तीन बार करना होता है तो आपको एक चार्ज भी मिल जाता है. एंड देन नॉक मी डाउन, कि आप स्पेशल पावर गेन करोगे जैसी नॉक मी डाउन का चैलेंज आएगा, स्पेशल मार के इसको गिराओ. एंड लास्ट है स्टैंड स्टिल, जिसमें कुछ नहीं करना, बस स्टैंड स्टिल ही रहना है. एंड देन ये पावर भी नेचुरली गेन करेगा, तो ध्यान रखना ये खुद ही स्पेशल वन पे पहुँचेगा एंड देन ही कैन डिस्ट्रॉय यू. तो जैसे ही स्पेशल वन पे पहुँचे भागना शुरू कर दो. और ये वेल टाइम ब्लॉक्ड वाले फेज में ही ज़्यादा स्पेशल दे देता है, तो आप भागते रहो. आपका ऑब्जेक्टिव शुड बी टू रन ओनली.
क्योंकि वो पावर नेचुरली गेन कर रहा है, तो वो स्पेशल टू पे पहुंचेगा और आपको रैक कर देगा। तो भागो ताकि वो अपना स्पेशल वन रिलीज करे और आप 3 और चैलेंजेस भी कमाएं। सो वेरी इजी चैलेंजेस हियर, इजी कमांड्स टू फॉलो। डैशबैक वाला सबसे इजी होता है, स्टैंड स्टिल वाला भी काफ़ी इजी है। मैं सारे दिखाऊंगा अभी फाइट में आपको दिखेंगे। ये हरक्यूलिस के साथ तो मर जाऊंगा, बट विद प्रोफेसर एक्स आई विल बी एबल टू शो यू इवन बेटर गाइज। चलो अब कंटिन्यू करते हैं फाइट। एज यू सी डैशबैक वाला आया हुआ था चैलेंज, वो हो गया है। ये खुद ही नेचुरली स्पेशल वन पे पहुंच गया, आप देख रहे हो पावर अभी भी गेन कर रहा है, तो ये स्पेशल टू पे भी पहुंच जाएगा। वेल टाइम ब्लॉक वाला चैलेंज आया था, आई पैरीड हिम प्रॉपरली, बट स्टैंड स्टिल का भी आ गया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको इवेड करूँगी, पर ये स्पेशल वन देने को राजी ही नहीं हो रहा था। ब्लॉक और एक और इवेड, अब क्या कमांड है आई एम नॉट श्योर। स्टैंड स्टिल का था अगेन, एक और स्पेशल वन की, एक और इवेड कर ली, ब्लॉक पे लिया, इवेड इवेड, 4 कमांड हो गए क्या मेरे, नहीं 3 ही कमांड हुए हैं। नॉक मी डाउन का आया था, मैं स्पेशल वन ही फेंक रहा था और वो भी एक साथ ही कंप्लीट हो गया। गाइस लास्ट कमांड आने वाला है, 5th कमांड इज गोइंग टू बी व्हाट, ब्लॉक, स्ट्राइक माय ब्लॉक। तो उसके ब्लॉक पे मारना भाई, क्यों नहीं मार रहा मैं, ओ नो। ओ यार मेरे को उसके ब्लॉक पे मारना चाहिए था, एंड वो मैंने किया नहीं, अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। ओके प्रोफेसर एक्स लेके जा रहा हूँ मैं, कितने रिवाइव यूज़ हो गए। आई विल गिव अ रिवाइव मीटर ऑल्सो कि आपको आइडिया हो कि कितने रिवाइव लगेंगे नॉर्मल खेलने पे। मैं ऐसा कोई एक्सेप्शनल नहीं खेल रहा गाइज, बट अपने नर्व्स अगर आप रखोगे, कंट्रोल रखोगे अपने ऊपर, तो हो जाएगा। ये बहुत आप पे अटैक करता है, कभी कभी तो ब्लॉक पे ये 5 हिट कॉम्बो तक दे देता है, तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। डैश बैक का कमांड आया है, चैलेंज आए सक्सेसफुल विद दैट, स्पेशल वन पे पहुंचने वाला है गाइज, भागो। अब 2 बार डेक्स करोगे ना अगर इसे, तो आराम से हो जाएगा। पर स्ट्राइक माई ब्लॉक आ गया, तो मैंने सोचा पहले वो कर दूँ, नाउ आई हैव टू इवेड हिज स्पेशल वन। वो हो गया, 2 चैलेंज कंप्लीट है। अब यहाँ रिवर्स कंट्रोल का आप देख रहे हो, प्रोफेसर एक्स पे आया हुआ है, पर उससे भाई को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ही इज़ इम्यून। स्टैंड स्टिल आया हुआ है, तो बस सीधा खड़े रहो, खड़ा रहा मैं, मेरे को मिल गया चैलेंज। अब ये है नॉक मी डाउन, बट मेरा ऑब्जेक्टिव है स्पेशल वन ज़्यादा इवेड करना। 1-2 लाल टोकन मिल भी गए तो कोई टेंशन नहीं है गाइज। सिमिलर तरीका है यहाँ पे भी गाइज, आपको 3 कमांड 3 टोकन कलेक्ट करने का विद स्पेशल वन इवेडिंग। तो वही यहाँ मेरे को मिल नहीं रहा आई थिंक, क्योंकि कुछ नोड है। पैरी वाला आया हुआ है, मैंने पैरी भी कर दिया है, हो गया ये वुंडेड स्टेट में। अब इसको हम डैमेज देंगे अच्छा खासा, और वही दे रहा हूँ। अब मैं भागूंगा पीछे, आई शुड रन क्योंकि स्पेशल वन दे देगा। हाँ मैं भागा पीछे, ब्लॉक इवेड, टेक अ हिट एंड अगेन अटैक इन टू हिम। डैश बैक का आ गया चैलेंज, 2 बचे, 1 बचा है, हो गया डैश बैक। नाउ लेट्स इवेड स्पेशल अगेन, वेरी वेल डन। अब हम लेंगे डेक्स, ब्लॉक, टेक अ हिट, 7 कमांडो, 7 आ गए मेरे पास टोकन। आई थिंक ये वाले लेन में दिक्कत है कि आप सिर्फ 8 ही कलेक्ट कर सकते हो, तभी मैं इतना ज़्यादा डैमेज दे नहीं पाया। 1-2 और लेन करके देखेंगे। डैश बैक आ गया, बट आई वॉन्ट टू इवेड हिज स्पेशल वन, दे दे। अब ये गाइज अगर ये स्पेशल टू पे पहुंच जाए ना, तो ब्लॉक पे ले लो, अगर आपका 30-40% हेल्थ है। ओह शिट, ये स्पेशल 3 पे पहुंच गया विद नो इशू। हम अगर मैं 5 बार डेक्स बैक कर लेता तो वुंडेड पे पहुंच जाता। अब ये राखी रॉय का फोन आ गया है, ब्लडी हेल, अनोइंग। कोई नहीं, मारे गए, स्किप करते हैं इसे, एंड लेट्स गो टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स समथिंग। हाँ कैप्टन अमेरिका यूज़ करें, आई थिंक दिस इज नो पॉइंट ऑफ यूजिंग कैप्टन अमेरिका। नहीं, प्रोफेसर एक्स पे ही आइडियली आई शुड हैव, आई शुड यूज़ अ रिवाइव। कैप्टन अमेरिका यूज़ करने का पॉइंट ही नहीं है। मैंने नॉर्मली वाला ग्रैंड मास्टर का वीडियो जाके देख सकते हो, 6.4.6 का कंप्लीशन, उसमें पूरी फाइट है, इसमें भी पूरी फाइट है। आधी पचद्दी नहीं डाली मैंने, 20-30% काट के मैंने नहीं दिखाया,
सारे रियल रिवाइव्स दिखेंगे, आपको हेल्थ भी रियल दिखेगी. सो या नो चीटिंग हेयर. यूट्यूब के लिए हम पूरा, चाहे पिट रहे हैं तो पिट पिटते हुए भी दिखाएंगे अपने आप को, कोई टेंशन नहीं है. ओके, स्ट्राइक माय ब्लॉक आ गया है, आराम से हो जाएगा, हो गया. अब वो स्पेशल वन पे पहुंच गया है, पहुंच गया. अब करो इसको इवेड, एक बार और डेक्स करोगे तो हो जाएगा. हो गया, ठीक है. ब्लॉक, इवेड, टेक अ हिट एंड इन्जॉय द फाइट नाउ. चैलेंज सक्सेसफुल, ब्यूटिफुल. स्टैंड स्टिल का हो गया. अब आप देख रहे हो वो पाँच पाँच हिट भी दे रहा है. अब नॉक मी डाउन आया है, ऑब्वियसली मैं स्पेशल भी रेडी नहीं है तो आई विल नॉट बी एबल टू डू. तो मैं इसका लाल टोकन ले लूँगा गाइज, आई विल अप्रिशिएट द लाल टोकन. स्पेशल वन आती ही मैं भागा एंड आई वॉज एबल टू इवेड, तो वो भी ध्यान रखना. स्ट्राइक माई ब्लॉक आ गया है, चार हिट देने, दैट इज़ ईजी. चार हो गए चैलेंज, मेरे मैक्सिमम टोकन कलेक्ट हो गए हैं ये वाली फेज में. सो आई थिंक ये सेंटिनल जो मैंने लेन ली है आपको शुरू में दिखाई थी, उसमें सिर्फ आप आठ ही कलेक्ट कर सकते हो, वरना और भी लेन्स आती हैं जिसमें और डैमेज फिर आ जाएगा आपका. पैरी करना है, एक हो गया, दूसरा भी हो गया, पांच हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे. अब हम इसको देंगे डैमेज, 16% 15% पे आ गया है, काफ़ी अच्छा डैमेज आ गया है. स्टैंड स्टिल कह रहा है हमें, चैलेंज दे रहा है हमें, हम स्टैंड स्टिल कर लेंगे, क्यों नहीं भाई. स्टैंड स्टिल सक्सेसफुल हो गया, स्पेशल वन दिया उसने उसके बाद ही. एंड आई विल डू ऑल थ्री कमांड्स. चार मेरे पास ग्रीन टोकन ऑफ कॉम्पिटेंस हो गए हैं, चार डैश बैक करते हैं. ओके, पिट गए थोड़ा सा, कोई नहीं, बट स्पेशल वन वॉज इवेडेड प्रॉपरली. ब्लैक इवेड एंड टेक अ हिट. ब्लॉक को ब्लैक बोल रहा था, पता नहीं क्यों मैं. कोई नहीं, कोई नहीं. अब देखते हैं, स्ट्राइक माई ब्लॉक, ईजी चैलेंज. ईजी चैलेंज पर स्पेशल वन भी आ गया, ध्यान से ध्यान रखना. अब देखा, जैसे आपने चैलेंज किया वो उसने स्पेशल दे दिया, ब्लॉक इवेड और टेक अ हिट. नाइस नाइस, आठ चैलेंज हो गए हैं. डैश बैग नौवा चैलेंज भी हो गया गाइज. अब वो स्पेशल वन पे पहुंच गया है, देखा जैसे ही पहुँचते हैं बहुत शाना है क्योंकि पावर नेचुरली गेन कर रहा है. तो ये वाले फेज में आपको ध्यान रखना है कि वो खुद पावर पे पहुंच जाता है एंड ही कैन रियली डिस्ट्रॉय यू विद हिज स्पेशल वन. उसका स्पेशल वन ही उसकी वो है, क्या बोलते हैं, मेन शास्त्र. अब गाइज आप स्पेशल थ्री भी थ्रो कर सकते हैं वुंडेड स्टेज में, उसमें भी 2-4% खींच लेते हैं डैमेज. सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू. काफ़ी डैमेज खींच लेगा प्रोफेसर एक्स, वेरी नाइस. 3% तक ले आया हूँ, मोटा डैमेज लिया होगा, मैंने देखा नहीं कितना था. स्पेशल वन इवेट टाइम, स्टैंड स्टिल बोल रहा है वो, पर वो स्पेशल टू पे पहुंच गया, नहीं पाई. अब मारे जाएंगे. अबे यार दे दे, स्पेशल टू तो दे देता, पर वो थ्री पे भी पहुंच गया. कोई नहीं, हम 2% पे ले आए हैं, देयर इज नथिंग टू फियर नाउ. अब किसी को भी यूज़ कर सकता हूँ मैं टू फिनिश इट. लास्ट स्टेज के लिए आई विल रिकमेंड हर्क्यूलिस और इमॉर्टल हल्क, क्योंकि वो गाइज उनकी आती है इमॉर्टैलिटी एंड दे कैन जस्ट गेट बीटन अप. मैं तो पिटूंगा ही. एंड अच्छा, अभी इसका ये वाला इन्फ्यूरिएटेड स्टेज शुरू हुआ है, अभी लास्ट स्टेज शुरू नहीं हुआ. 1% पे लास्ट स्टेज आता है. मैं कैप्टन अमेरिका ले आया हूँ क्योंकि आई एम श्योर ऐसे ब्लॉक डैमेज से ये पहुँच जाएगा. फेस कंप्लीट हो ही गया, देखा. सो ओके ओके नाउ, अब आपको क्या करना है, मीडियम इंटरसेप्ट कर सकते हो, बस मीडियम लाइट दे सकते हो. मीडियम लाइट, मीडियम लाइट, इंटरसेप्ट, मीडियम लाइट. और आप ऐसे ही वेट करो उसका, वो लाल टमाटर जो ख़त्म हो जाएगा तब आपको स्पेशल थ्री खुद ही मिल जाएगा एंड यू विल विन द फाइट. बट मैं मारा गया था यहाँ पे. आई विल जस्ट यूज़ अ बेबी रिवाइव ऑन हर्क्यूलिस नाउ एंड या विल डिस्ट्रॉय दिस गाय. लेट्स गो. मैं इसमें पिटूंगा जानबूझ के, बिकॉज हर्क्यूलिस इस समान जो पिट सकता है वैसे ही. तभी मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ इमॉर्टल हल्क या हर्क्यूलिस फॉर अ ईजी थिंग, वरना मैं आपको कैप्टन अमेरिका के साथ दिखाया है कि कैसे डील करना है. लास्ट फेज मीडियम लाइट इंटरसेप्ट ही लगेगा मीडियम लाइट का. अब मैं इंटरसेप्ट यहाँ भी कर रहा हूँ, मीडियम लाइट, मीडियम लाइट, मीडियम लाइट एंड स्पेशल थ्री बन गया मेरा. देखा गाइस,
एंड उसको पीटो थोड़ा सा, फिर उसको स्पेशल 3 पे ले जाओ। एंड दैट इज़ इट गाइज, आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आई है आपको। काफ़ी टाइम से काफ़ी लोग बोल रहे थे बनाने के लिए, तो आज मैंने बना ही दी। प्लीज़ गाइज हिट दैट लाइक बटन, कमेंट करो, शेयर करो ये वीडियोज़ सबके साथ गाइज, ताकि सबको गाइड मिले कि हाउ टू कंप्लीट ग्रैंड मास्टर फाइट ईजिली। एंड या रियली रियली अप्रिशिएट यू वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली, क्योंकि कंप्लीट नहीं देखा तो आपने कुछ यू मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ गाइड्स एंड टिप्स जो मैं आपको इस वीडियो में देने की कोशिश कर रहा हूँ गाइज। एंड या प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस, कॉमेंट, सब्सक्राइब, शेयर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय बाय।